अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो गाइस एक्चुअली क्या है कि मैं वीडियो के माध्यम से ही कुछ अपडेट्स आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ड्यूटी का रूटीन कुछ ऐसा है कि टाइम नहीं मिल पा रहा रील्स अपलोड करने का इस वाले पेज पर। तो गाइस अर्जेंट रिक्वायरमेंट है रियाद सऊदी अरबिया के लिए रेस्टोरेंट हेल्पर की, और इसमें सैलरी पैकेज रहेगा रेस्टोरेंट हेल्पर का 1200 सऊदी रियाल, और इसमें जो है ड्यूटी के टाइम सिर्फ एक टाइम मिलेगा खाना, और इस रेस्टोरेंट हेल्पर में 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी। पासपोर्ट, ईसीआर, एसएनआर दोनों एक्सेप्टेबल रहेंगे, और इसमें एज लगभग चलेगी आपकी 22 से लेकर 35 तक की, और कैंडिडेट को जो है बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, जैसा कि हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, वेलकम और थैंक यू सो मच। और पासपोर्ट ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट दोनों एक्सेप्टेबल रहेंगे। तो गाइज नेक्स्ट अपडेट है, अभी इसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सऊदी अरबिया के लिए लाइट ड्राइवर की, और ये चाहिए डिलीवरी के लिए। जी हाँ, इसमें सैलरी पैकेज रहेगा 1600 सऊदी रियाल प्लस कमीशन, और मिनिमम जो है 14 डिलीवरी आपको डेली करनी पड़ेगी। इसमें कुछ क्राइटेरिया ऐसा है कि जो कि मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो इसमें जो है सऊदी का वैलिड और एक्सपायर लाइसेंस दोनों चलेगा, मस्ट नो बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, और साथ साथ में उसकी आनी चाहिए अरबिक भी, और कैंडिडेट को जो है गूगल मैप का नॉलेज होना चाहिए, जैसा कि डिलीवरी करने वो जाएगा तो जाहिर सी बात है मैप्स का जो है उसको फुल नॉलेज होना चाहिए। और इसमें जो है वीडियो सिलेक्शन है, और इसमें एज लगभग चलेगी आपकी 22 से लेकर 35 तक की। जी हाँ, ड्यूटी इसमें 8 घंटे की, और 8 घंटे के बाद आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं। इसमें वैलिड और एक्सपायर दोनों लाइसेंस चलेंगे सऊदी के। जी हाँ, और इसमें ईसीआर ईसीएनआर दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेबल रहेंगे, और ये है सऊदी अरबिया के लिए। अब एक डिमांड और है अभी सऊदी अरबिया के लिए, उसमें चाहिए 5 लाइट ड्राइवर, वो भी रिटर्न वाले, वो भी रहेंगे डिलीवरी बॉय के लिए, जैसे कि ये रील्स में बताया था ऑलरेडी। गाजी क्या बात है, और ये रील्स में कल भी बताया था कि 5 ड्राइवर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है डिलीवरी के काम में। जी हाँ, उसमें सैलरी पैकेज रहेगा आपका 1500 सऊदी रियाल प्लस 200 सऊदी रियाल खाने के, यानी 1500 प्लस 200 मिलेंगे, और उसमें रहेगी 10 घंटे की ड्यूटी, और 10 घंटे की ड्यूटी के बाद जो है आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं। खाना सभी में अपना है, और सभी में जितनी भी रिक्वायरमेंट मैंने बताई है उसमें जो है रूम प्रोवाइड करा रही है कंपनी। और अगर कोई कतर जाना चाहता है हेल्पर के काम में, तो हेल्पर के काम में भी जा सकते हैं। सैलरी पैकेज रहेगा 1000 प्लस 200 कतर के लिए, और कतर के लिए हेल्पर में अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। 1200 सैलरी है प्लस खाना है प्लस रहना है, A to Z सब प्रोवाइड कराएगी कंपनी के साथ भी। इसमें ईसीआर और ईसीएनआर दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है, और इसमें एज चलेगी लगभग 22 से लेकर 30 तक। और अर्जेंट रिक्वायरमेंट एक और है रियाद सऊदी अरबिया के लिए, ये है रेस्टोरेंट हेल्पर के लिए। इसमें जो है 5 कैंडिडेट चाहिए रेस्टोरेंट हेल्पर के लिए। गजब बेइज्जती है यार, तो ये कोई मजाक हो रहा, एक मिनट रुक जाओ बस। तो रेस्टोरेंट हेल्पर के लिए जो है 5 कैंडिडेट चाहिए हेल्पर, यानी सैलरी पैकेज इसमें रहेगा 1200 सऊदी रियाल प्लस एक टाइम का खाना। जी हाँ, रेस्टोरेंट हेल्पर, और शायद मैं आई थिंक मैं ये बता दिया देता हूँ, और एकोमोडेशन जो है प्रोवाइड कराएगी कंपनी, और ईसीआर और ईसीएनआर दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है। और हाँ, अगर कोई कपाला लेना चाहता है टाइल फिक्सर में और कारपेंटर में, तो तनाजुल ले सकते हैं, जगह खाली है अल अमाना कंपनी में। जी हाँ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं ट्रैवलिंग यासीन के नाम से, क्योंकि आपको पता है ये मेरा पेज जो है एक्सेस हो गया, बट इसके लिए मोबाइल नहीं है मेरे पास कि मैं उसमें जो है एक्सेस कर सकूं। इसमें और उसमें जो है सभी में आईडी चल रही है, और मैं मल्टीपल अकाउंट खोलना नहीं चाहता। तो आज के लिए इतनी काफी है, और बाकी जो अपडेट होगी इंशाल्लाह दूसरे पेजों पर आपको अपडेट किया जाएगा। तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और पेज को फॉलो कर लें भाई इसी बात पर। तो चलिए मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अल्लाह मा सलामा।